हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया था, हमने उसको समझा था कि वो क्या होता है और उसमें हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख। हमें कैपिटल गिवन है, ठीक है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज 60,000 ईच। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स हमें दिया हुआ है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। हमने सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का। कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में उसने कैलकुलेट करके दी हुई है 10 लाख। ठीक है, हमें खुद से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद होता है हमारे पास स्टेप 2, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें ईयर गिवन है, ईयर का कॉलम है। सबसे पहले हम ईयर लिख लेंगे इसमें 1, 2, 3। प्रॉफिट्स हमें पिछले 3 ईयर्स के दिए हैं, वो हम लिख लेंगे 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। ठीक है, अब देखिए उसने हमें क्वेश्चन में बोला था कि एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज 60,000 ईच। एक पार्टनर की 60,000 है, दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो दो पार्टनर्स की कितनी हो गई 1,20,000, जिसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। सैलरी जो होती है हम पार्टनर्स को पे करते हैं, ये एक अलाउएबल खर्चा होता है। इट मींस बिजनेस एक्सपेंडिचर येट टू बी डेबिटेड। हम जानते हैं कि जब हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं तब हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी हर साल हम पे कर रहे हैं, एनुअली पे कर रहे हैं हर साल, तो ये तीनों साल में आएगी हमारी 1,20,000। हम इसको माइनस कर रहे हैं इसलिए हम इसको नेगेटिव में लिख रहे हैं। अब इसको जब हम माइनस करके यहाँ लिखेंगे वो हमारी बन जाएगी अमाउंट एडजस्टेड प्रॉफिट्स की। चलिए 3 लाख माइनस 120, ये आ जाएगा 1,80,000। 3,60,000 माइनस 1,20,000, ये बन जाएगा हमारे पास 2,40,000। और 4,20,000 माइनस 1,20,000, ये बन जाएगा हमारे पास 3 लाख। जब हम इन सभी को टोटल कर देंगे तब हमारे पास बनेगा 7,20,000। ये बने हमारे पास एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला 7,20,000 जो हमारा टोटल आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा हमारे पास 2,40,000। ठीक है, फिर स्टेप 3 होता है हमारे पास। इसके बाद स्टेप 3 होता है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ओवर 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय, रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है 15% इंटू 15/100। ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके हमारे पास 1,50,000। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 है हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट्स माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट सॉरी हमने अभी कैलकुलेट किया ऊपर 240,000, 240 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 150,000, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 90,000। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट है स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 90,000 इनटू ईयर ऑफ परचेज, हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 इयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 180,000। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ आवर गुडविल। आई होप हमने ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है आपको समझ लग गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस समझाया है हम इसको सॉल्व करते हैं अपनी पिछली वीडियो में, उसी सीक्वेंस में ही मैंने इसे सॉल्व किया है। अगर आप भी इसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे आपका भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ लग गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।